हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल त्यागी। आपका स्वागत है हमारे चैनल विशाल त्यागी ब्लॉगर एंड डिजिटल मार्केटर पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिडायरेक्शन के। रिडायरेक्ट्स होती क्या है, रिडायरेक्शन या रिडायरेक्ट्स के टाइप क्या होते हैं, और ब्लॉगर में कस्टम 301 और 302 रिडायरेक्ट्स को कैसे परफॉर्म करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन तो मिले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिडायरेक्शन या रिडायरेक्ट्स होती क्या है। एक यूआरएल को डिफरेंट यूआरएल पर फॉरवर्ड करने के प्रोसेस को रिडायरेक्शन या रिडायरेक्ट्स कहते हैं। इसका मतलब रिडायरेक्शन या रिडायरेक्ट्स यूजर को या सर्च इंजन को डिफरेंट यूआरएल पर सेंड करती है, न कि उस यूआरएल पर जो कि उसने क्लिक और रिक्वेस्ट किया है। अब हम बात करेंगे रिडायरेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं। तो दो टाइप की रिडायरेक्ट होती है, 301 रिडायरेक्ट और 302 रिडायरेक्ट। 301 रिडायरेक्ट को हम परमानेंट रिडायरेक्ट कहते हैं और 302 रिडायरेक्ट को टेम्पररी रिडायरेक्ट कहते हैं। और ये 301 रिडायरेक्ट एसईओ के लिए ज्यादा रिकमेंडेड होती है। अब हम बात करेंगे 301 रिडायरेक्ट होती क्या है। तो इस रिडायरेक्ट को हम मूड परमानेंट या परमानेंट रिडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसका एचटीटीपी स्टेटस कोड 301 होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 301 रिडायरेक्ट को वेबसाइट के लिए इंप्लीमेंट करना ही बेस्ट मेथड है। अब हम बात करेंगे 302 रिडायरेक्ट होती क्या है, और 302 रिडायरेक्ट टेम्पररी रिडायरेक्ट है, या इसे फाउंड या मूव टेम्पररी के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए एचटीटीपी स्टेटस कोड 302 यूज होता है। अगर आपका कोई पेज डिलीट हो गया है और आप उसे रिकवर कर रहे हैं और आप अपने ट्रैफिक को सेव करना चाहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड अदर पेजेस पर उस यूआरएल को 302 रिडायरेक्ट के थ्रू रिडायरेक्ट कर सकते हैं, और जब आपका पेज रिकवर हो जाए तो आप उस रिडायरेक्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्लॉगर में 301 रिडायरेक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करें। तो कल की वीडियो में हमने बताया था कि ब्लॉगर में कस्टम परमालिंक कैसे क्रिएट करें। तो हमने सबसे पहले आपको ब्लॉग पोस्ट के लिए ऑटोमेटिक परमालिंक क्रिएट करके बताया था। तो हमने जब इस पोस्ट का ऑटोमेटिक परमालिंक क्रिएट किया था तो वो यहाँ पर आया था, हाउ टू इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स सपोर्ट तक ही ब्लॉग स्पोर्ट ने फैच किया था ऑटोमेटिक परमालिंक। और फिर इसके बाद में हमने इसका कस्टम परमालिंक जब क्रिएट किया था तो ये हाउ टू इंस्टॉल गूगल एनालिटिक्स फॉर ऑन ब्लॉगर आया था। तो अब हम बात करेंगे इस एरर 404 को कैसे रिमूव करें, और इस यूआरएल को हम इस यूआरएल पर कैसे रिडायरेक्ट करें। अगर ये सर्च इंजन में क्रॉल हो चुका है, इंडेक्स हो चुका है यूआरएल, और हमने दोबारा इस यूआरएल को चेंज कर दिया है, और अब हम इस यूआरएल को एरर 404 को रिमूव करना चाहते हैं, और हमारा ट्रैफिक इस पेज पर आ रहा है, और हम इस पेज के ट्रैफिक को इस पेज पर कैसे रिडायरेक्ट करें या फॉरवर्ड करें, तो इसके लिए आप 301 परमानेंट रिडायरेक्ट का सहारा ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले सेटिंग्स ऑप्शन पर जाएं, आपको एरर एंड रिडायरेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। आप कस्टम रिडायरेक्ट्स पर क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करें, और सबसे पहले आप इस यूआरएल को यहां से कॉपी करें और यहां पर पेस्ट कर दें, और इसके बाद में आप इस यूआरएल को डेट से कॉपी करें और यहां तक पेस्ट और यहां पर पेस्ट कर दें। और इसके बाद में अगर आपको 301 रिडायरेक्ट या परमानेंट रिडायरेक्ट पर बुक करनी है तो आप इसे सेलेक्ट करें और ओके पर क्लिक कर दें, और यहां पर आप कस्टम रिडायरेक्ट्स को सेव कर दें। अब हम जब भी इस पेज को ओपन करेंगे तो ये इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और यहां पर एरर 404 सक्सेसफुली रिमूव हो जाएगी, और आपके इस पेज का ट्रैफिक इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 302 या टेम्पररी रिडायरेक्ट के बारे में। अगर आपको कोई भी पोस्ट अदर पोस्ट पर या आपकी कोई भी पोस्ट मानने के बाद आपकी ये पोस्ट डिलीट हो चुकी है और आप इस पेज को रिकवर कर रहे हैं और अभी रिकवर नहीं कर पाए हैं, और आप इस पेज को इससे रिलेटेड दूसरी पोस्ट पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं, तो हम अब वो प्रोसेस बताएंगे। अगर आपको इस पोस्ट को इस पोस्ट पर रिडायरेक्ट करना है तो आप सेटिंग्स पर जाएं और एरर्स एंड रिडायरेक्ट्स पर आपको कस्टम रिडायरेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करें, ऐड पर क्लिक करें, और आप इस पेज को इस यूआरएल को यहां से कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ पर इस यूआरएल को कॉपी करें और पेस्ट कर दें, और यहाँ पर आप परमानेंट सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब आपकी ये रिडायरेक्ट टेम्पररी रिडायरेक्ट है। ओके पर क्लिक करें और सेव पर क्लिक करें।
इसके बाद में आपकी इस पोस्ट का ट्रैफिक कुछ टाइम के लिए इस पोस्ट पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, और जब भी हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपकी ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो हम इसे रिडायरेक्ट को टेम्पररी रिडायरेक्ट कहेंगे। और अगर आप इस टेम्पररी रिडायरेक्ट को हटाना चाहते हैं तो आप कस्टम रिडायरेक्ट पर जाएं और आपने रिडायरेक्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, डिलीट पर क्लिक करें और सेव पर क्लिक कर दें। और आप अब इस पोस्ट को दोबारा ओपन करें तो आपकी ये पोस्ट जो कि तो ओपन हो जाएगी और ये इस पोस्ट पर रिडायरेक्ट नहीं होगी। तो ये पूरा प्रोसेस था रिडायरेक्ट या रिडायरेक्शन किसे कहते हैं और रिडायरेक्ट के कितने टाइप होते हैं और ब्लॉगर में कस्टम 301 और 302 रिडायरेक्ट ट्रैफिक को सेव करने के लिए कैसे इंप्लीमेंट ब्लॉगर की वेबसाइट पर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करते रहें। और आपके ब्लॉग स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, हम उस पर वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।